एक घंटे के बाद बुकिंग मिली है। बहुत लंबी बुकिंग है। एक तंबाकू की पूड़ी ले लो ना टपरी से। भाई ये कौन सी गली है। मैं लेके आया हूँ कोक बर्गर फ्राइज। फाइनल अमाउंट जो है ना वो बनता है। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी जो है ना बज रहे हैं 5:25। मैं ना करेक्ट लॉग इन हो चुका था 5:05 पे। बुकिंग सब बज रही है डोंबी वाली। फिर पता नहीं भाई कुछ तो एड्रेस समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी ऐसी बुकिंग बज रही है तो एक भी मैंने रिसीव नहीं की अभी तक। सुबह है ना मैं निकला था काम के लिए भाई 7 करेक्ट लॉग इन था और अराउंड 12 तक भाई CNG फुल करा के घर पे आ चुका था मैं। और सुबह का जो है ना काम हुआ है 1379 1380 का। और जो है ना इसमें टोल अलग है 90 का। मतलब सुबह जो है ना 6 में अच्छा खासा काम हो चुका है। तो भाई 2 से मैं घर पे था, 2 से मैं निकला नहीं था। सुबह काम करके आते और फिर वापस आके जो है ना मैं CNG वगैरह फुल करा के 1 खाना खा के सो गया और 4:30 उठ के रेडी होके फ्रेश होके आ चुका हूँ। अभी देखते हैं भाई नाइट में कितना खींचते हैं, कब तक काम करते हैं, क्या अर्निंग होती है, कहाँ कहाँ की ट्रिप मिलती है, जो कुछ भी है सब कुछ आपको मेरे इस ब्लॉग में देखने मिलने वाला है गाइस। तो एंड तक देखना, कुछ मिस मत करना गाइस। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ऑलमोस्ट है ना 6:15 हो गए और भाई 1 के बाद बुकिंग मिली है मुझे भाई। फोर्ट CST रेलवे स्टेशन की बुकिंग है ये और एकदम बाजू से ही है। तो अभी इनको पिकअप करके जाता हूँ। यहाँ से पहले निकलते भाई काफ़ी लेट हो गए ऑलमोस्ट। मुझे है ना मैं सोच रहा था कि 5 जो है ना मुझे 5 मतलब मैक्सिमम 5:30 तक बुकिंग मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा, बट उसमें भी भाई 45 ज़्यादा हो गए। 6:15 मिली है ये बुकिंग, तो मतलब 1 मैं लेट चल रहा हूँ। उसी हिसाब से मुझे काम करना है भाई। अभी है ना भाई 12 तक बैक टू बैक काम करना है। देखते हैं कैसा होता है, जो भी है मैं अपडेट आपको देता हूँ। तो बने रहे मेरे साथ। CST रेलवे स्टेशन है, मतलब लगेज तो रहेगा और अपने पास वैगनार में पीछे काफ़ी अच्छी जगह है लगेज के लिए। ड्रॉप किया है CST रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 18। और कितना अमाउंट मिला है भाई 437 और 50 लगा भाई पहुंचने के लिए। पुलिस वाले आए भाई, मैंने वाइट शर्ट पहना है आज इसके लिए जो है ना मैं गया यहाँ पे। आके पूछ रहे भाई कि कहीं फाइन आएगा, पेड कराई थी भाई। मैंने बोला भाई कुछ भी फाइन नहीं है, गाड़ी पे कुछ पे नहीं करना है। तो दूर से खड़े रह के पहले ही चेक कर लिया था कि भाई इस पर कुछ फाइन है कि नहीं, बाद में आके पूछ रहे। तो बोला भाई कुछ फाइन है नहीं, कुछ पे भी नहीं करना है। अभी मैं ना जा रहा हूँ भाई थोड़ा आगे काला घोड़ा के यहाँ पे। तो मैं एक छोटी ट्रिप कंप्लीट की 105 की, जहाँ पे मैं था काला घोड़ा के यहाँ पे, वहाँ से कस्टमर को ड्रॉप किया ताज होटल में। अभी वहाँ से एक एडवांस पे बुकिंग आ गई, कस्टमर को पिकअप करने गया। कस्टमर बोल रहे अंदर आओ, सिक्योरिटी बोल रहा है भाई ड्रॉप पॉइंट और पिकअप पॉइंट बाहर है गेट के। तो भाई मैंने वो ट्रिप कैंसिल कर दी क्योंकि है ना भाई पीछे बहुत लंबा जाम लग गया था। तो मैंने जो है ना भाई कैंसिल की, रीजन डाला भाई नो वेयर टू स्टॉप, मतलब यहाँ पे कोई रुकने की जगह नहीं है ऐसा एक ऑप्शन है। कैंसिलेशन पे जाते हैं ना तो वहाँ पे है ना दूसरा ऑप्शन आता है कि यहाँ पे रुकने की जगह नहीं, नो हियर टू स्टॉप ऐसा कुछ है। तो वो सिलेक्ट किया तो भाई मुझे ना मेरा परसेंटेज भी बढ़ा नहीं क्योंकि वैलिड रीजन था, वहाँ पे रुकने के लिए जगह नहीं थी, पार्किंग नहीं थी पिकअप के लिए और पीछे जो है ना ट्रैफिक जाम हो गया था। तो ऐसा अगर वैलिड रीजन सिलेक्ट करते हैं ना तो आपको जो है ना भाई आपका जो कैंसिलेशन जो है ना परसेंटेज बढ़ता भी नहीं है और आपका कोई फॉल्ट भी नहीं आता उसमें। पिकअप लोकेशन पे हूँ और कस्टमर आ रहे हैं भाई, बहुत ही लंबी बुकिंग उठाई है, मेरे ख्याल से 2 से ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो कहाँ की है पहुँचने के बाद बताता हूँ कितना अमाउंट है और सारी की सारी चीज़ें। भाई फुल ट्रैफिक मिलने वाला है और 2+ लगने वाला है। तो अभी मैं आपको है ना अराउंड 10 के बाद ही अपडेट दूंगा। 11:30 हो रहे हैं और मैं हूँ अभी भाई सारा एलिवेटर रोड पे टर्मिनल 2 पे जा रहा हूँ। कांदीवली से बुकिंग मिली विले पार्ले की, 205 मिला है। उसके पहले जो मैं लेके आया भाई कोलाबा से कांदीवली भाई 2:11 लग गया और उसमें ना 780 मिला है। सीलिंग होते आया भाई 2:11 भाई हालत खराब हो गई, पूरा जाम था भाई। ये देखो जाम, पूरा ब्रिज से आगे तक है ना पूरा जाम लगा है भाई अंदर जाने के लिए, फुल जाम। और भाई गाड़ी है 160, पता नहीं कब तक नंबर आएगा ना जाम है। मेरा नंबर जो है ना 160 से जो है ना 40 पे आ गया, बट मैं अभी तक यहाँ पे ही फंसा हूँ पिछले 5 से। आगे ही नहीं बढ़ रही गाड़ी, मतलब कि ये पूरा 23B पिकअप पॉइंट जो पिलर है वहाँ तक ये पूरा जाम रहेगा। 1:48 हो चुका है भाई, 2:15 आए और मैं ना हूँ अभी यहाँ पे, बुकिंग भी आ रही है। मैं हूँ अभी जोगेश्वरी में,
मैं बुकिंग उठानी थी बट सीएनजी की लाइन में हूँ मैं और नहीं उठाई यार। बहुत ही मस्त बुकिंग थी, थाने की थी। ठीक है चलो अभी पहले है ना सीएनजी भरवा लेता हूँ क्योंकि सीएनजी जो है ना आ चुका है रिजर्व में और एकदम बाजू में ही था जहाँ पे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया। भाई सीएनजी कितने फुल है बता, 626 रुपए में। लास्ट दो से तीन बार मैं सीएनजी भरवाता हूँ बेलापुर से, तो बेलापुर से भी भरवाया मैंने, एयरपोर्ट से भी भरवाया मैं, 500 या 510 रुपए में ना मतलब रिजर्व से डायरेक्ट फुल हो जाता है, मतलब प्रेशर जो है ना नहीं रहता है। बट यहाँ पे पता नहीं प्रेशर जो है ना वो नॉर्मल ही था, बट फिर भी जो है ना भाई बहुत ही अच्छा सीएनजी गया। ऑलमोस्ट 8 kg जो है ना वो बैठा सीएनजी और 626 रुपए में फुल हो गया है। अभी कोई टेंशन नहीं है अपने को और अर्निंग अच्छी खासी हो चुकी है। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैं क्या करूँ, एयरपोर्ट पे चले जाऊँ या फिर यहीं पे रुकूँ। निकला था कोलाबा से कांदीवली, कांदीवली से मुझे ट्रिप मिली विले पार्ले ईस्ट की, विले पार्ले से मैं गया एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से मुझे ट्रिप मिली एरोली, एरोली से जो है ना वापस मुझे तुरंत ट्रिप मिली जोगेश्वरी, मतलब ये अंधेरी ईस्ट की। अभी मैंने यहाँ से सीएनजी भरवाया है, तुरंत जो है ना मुझे ट्रिप मिली कहाँ की पता है, ये मैंने जो बताया अभी अंधेरी ईस्ट की जोगेश्वरी के यहाँ की। कस्टमर ने ना मतलब मैंने कॉल किया कि सर कैब बुक किया है ना, मतलब रात को भाई अगर बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो मैं सामने से कॉल करता हूँ कि सर आपने कैब बुक किया ना, तो बोल रहे अरे हाँ मैंने कैब बुक की है, तो बोल रहे हैं कि आप तंबाकू खाते हो क्या, आते आते ना एक काम करो ना आप है ना एक तंबाकू की पूड़ी ले लो ना टपरी से, तो 10 रुपये मैं आपको दे दूंगा करके। मैं बोला अरे सर मैं पहुँच गया तुम्हारे लोकेशन पर, बोला वो लेने के लिए थोड़ी रुकूंगा सर मैं। ऐसा दिमाग हटा दे रहा, ऐसे ऐसे कस्टमर भी मिलते हैं भाई, ये एक्सपीरियंस हुआ आज। और इससे पहले वाले कस्टमर भाई इतने अच्छे थे कि वो इतनी अच्छी से बात की, मतलब अच्छे भी कस्टमर मिलते हैं बुरे भी कस्टमर मिलते हैं, तंबाकू खाने वाले भी मिलते हैं और नहीं खाने वाले भी मिलते हैं। 3:20 हो गई है और एक बुकिंग मिली है ओला में, एयरपोर्ट की है भाई, पिकअप के लिए जा रहा हूँ मैं। भाई ये कौन सी गली है समझ में नहीं आ रहा है, भाई जा तो रहा हूँ मैं, पता नहीं आगे जगह है कि नहीं। ये ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आगे शायद जगह नहीं है। यस आगे है दी एंड के है जगह, पता नहीं। अच्छा साइड से है, अच्छा यहाँ से है। भाई खतरनाक गली है जोगेश्वरी ईस्ट में, ये शायद राइट साइड में काम चल रहा है कुछ तो बिल्डिंग का, और ये ना कुछ शॉर्टकट रास्ता लग रहा है। ये निकले हम यहाँ से, भाई नाइट है ना इसके लिए ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल है, दिन में आते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती। यहाँ पे कोई तो बिल्डिंग है शायद, मैं लोकेशन पे तो आ चुका हूँ। इतनी छोटी गली में जो है ना भाई इतना बड़ा गेट है, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, पता नहीं भाई 3:48 हो रहा है और है ना यहाँ पे ना मैकडोनल है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जाने के लिए, देखते भाई रुकने देते या नहीं। आधा घंटा फ्री है, आधे घंटे के बाद चार्ज लगेगा, तो अपन क्या करते भाई फटाफट है ना पार्सल लेके आते कुछ तो अंदर से। मैं लेके आया हूँ कोक बर्गर फ्राइज, और भाई यहाँ पे जो है ना पार्किंग है, 3:45 को आया मैं, 3:59 हो रहा है, और यहाँ से भाई मैकडी से मैंने लिया है। आधे घंटे तक जो है ना वो फ्री है पार्किंग, उसके बाद चार्ज लगेगा, तो मैंने ना भाई 15 मिनट में ही पार्सल ले लिया है। तो सारा एलिवेटर जो रोड है ना जो सिटी साइड एग्जिट है, तो वहाँ पे जो है ना नया मैकडी खुला है भाई, मैकडी का ऐप डाउनलोड करो, और रात को कुछ खाने को नहीं मिलता है ना तो भाई बर्गर फ्राइज कोक वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ऐप में ना हर बार ऑफर रहता है, तो ये मैंने जो है ना लिया है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, 100 रुपीज़ में जो है ना कोक बर्गर एंड फ्राइज लिया है, तो अभी है ना उसको खाता हूँ भाई, बहुत ही भूख लगी है। टोकन भी चल रहा है अपना और खाना भी हो जाएगा, दोनों चीज़ हो जाएगी। खाना खा के एकदम मस्त हो गया, लगा के ऐसा है ना कि कुछ तो गया है पेट में। वॉशरूम जो है ना भाई पता नहीं सुबह सुबह अभी मैं अंदर आया ना तो चालू था, बाकी ये बंद रहता है, और गाड़ियाँ कुछ है नहीं इतनी खास, और अपना टोकन है ना भाई 21:25 तक आ चुका है।
जो भी रहेगी पहली चार में मैं ना ट्रिप एक्सेप्ट करने वाला हूँ। नेरुल पहुंच चुका हूँ मैं और भाई 5:45 हो चुके। एक छोटी ट्रिप की मैंने प्रायोरिटी वाली एयरपोर्ट से ऊपर में मरोल मेट्रो स्टेशन के यहाँ पे कस्टमर को ड्रॉप किया, 106 रुपये मिला उसमें। उसके बाद जो है ना भाई जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो प्रायोरिटी वाली बुकिंग थी, ऊबर बजने से पहले ही जो है ना ओला में बुकिंग आई नेरुल की डायरेक्ट। तो फिर मैंने जो है ना ज़रा भी वेट नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया और पहुंचा मैं नेरुल 45 मिनट्स में। और भाई 10 रुपये के हिसाब से ही रेट दिया है, 27 किलोमीटर का 263 लिया। रात के टाइम पे है ना एयरपोर्ट में ऐसा ही है, 2 बजे के बाद आप गए ना सुबह 8 बजे तक, मतलब इतना रेट कम रहता है ना, मतलब 10 रुपये के हिसाब से ही किलोमीटर मिलता है और कभी कभी तो भाई उससे भी कम मिलता है, क्या करेंगे भाई। बट नाइट में बाहर बुकिंग नहीं रहती तो भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भाई नाइट में ट्रैफिक वगैरह नहीं रहता है तो परवड़ता है वो भी। टोल का पास निकालना था मुझे, 5 तारीख तक चलता है, बट आज 6 तारीख हो गई है तो टोल का पास निकालना था तो भाई वो भी टाइम नहीं मिला। अभी पता नहीं भाई कभी निकालूंगा या फिर शाम को जब मैं निकलूंगा ना तो लगता है कि है ना कैश देना पड़ेगा। CNG तो मैंने ना एग्जैक्टली फुल करवा दिया था जोगेश्वरी से, उसके बाद सिर्फ 3 ही ट्रिप कंप्लीट की है। वहाँ से एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से एक छोटी ट्रिप ली और फिर वहाँ से नेरुल आया अभी, तो 3 ट्रिप ही कंप्लीट हुई है और सिर्फ 2 पॉइंट ही कम हुए हैं, बट फिर भी मैं ना वो 2 पॉइंट भी फुल करवा देता हूँ। बाजू में ही है CNG पंप तो वो 2 पॉइंट भी जो है ना फुल करवा के फिर घर पर जाता हूँ और पार्क करके बताता हूँ आपको कितनी अर्निंग हुई है, क्या हुआ है, सब कुछ डिटेल। 6 बज चुके हैं और है ना मैं पहुंच चुका हूं घर पे, गाड़ी को कर दी है पार्क और है ना गाड़ी को कर देते बंद पहले। ऐसे तो अर्निंग की बात करते हैं भाई, टोटल जो है ना वो मैंने कर लिया है तो फाइनल अमाउंट जो है ना वो बनता है 4291। टोल के साथ 4 टोल कवर है इसमें, ओला के साथ जो है ना सिर्फ 2 ट्रिप कम्प्लीट की है, 423 रुपये की है। उबर के साथ जो है ना 3688 का काम हुआ है, 12 ट्रिप कंप्लीट की है, दोनों का मिला के 4291 होता है विथ टोल। गाड़ी कितनी चली है, गाड़ी ज्यादा चली है भाई, आज गाड़ी चली है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर में 4291 का काम हुआ है भाई। CNG टोटल गया है 1050 रुपए का, बहुत ही अच्छा रहा भाई आज का दिन। अभी है ना अभी जाके सोने वाला हूँ सीधा मैं, थोड़ी देर पहले ही जो है ना मैंने भाई बर्गर और ये सब खाया हुआ है तो मैं ना घर पे जाके सीधा सोने वाला हूँ और उठूंगा पता नहीं कभी उठूंगा। उसके बाद 1-2 काम है वो कंप्लीट करके फिर से जो है ना 5 बजे लॉगिन करेंगे। कैसा लग रहा है आपको व्लॉग जो है ना लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस।